जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। होम बेस पाँचवें एपिसोड में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमें बहुत सी क्यूरीज आई मैसेजेस के सिलसिले में कि हमें मुख्तलिफ लोगों ने ये कहा कि हमें नी पेन की प्रॉब्लम्स महसूस हो रही हैं, तो हमें कोई ऐसा वीडियो बनाकर भिजवाएं जिसमें हम घर बैठे इसकी एक्सरसाइज करके पेन से निजात हासिल कर सकें। अब हम अपने जो एक्सरसाइज एक्सपर्ट हैं फिजियो सलमान फिरोज़, उनकी तरफ लिए चलते हैं। उनकी एक्सरसाइज को आप गौर से देखिएगा और उन पे अमल कीजिएगा, इंशाल्लाह आप इससे फ़ायदा भी हासिल करेंगे और आपके घुटनों का दर्द भी बेहतर होगा और दूर होगा। नी पेन के लिए जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं हमने खड़े होकर या बैठ के नहीं करनी बल्कि लेट के करनी है। इसके लिए आपको एक अदद मैट चाहिए होगा या किसी भी आप बेड पे कर सकते हैं, ज़मीन पे कर सकते हैं, चादर बिछा के या चटाई बिछा के आराम से एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। अब ये हमने जिम मैट इधर रखा हुआ है, इसके ऊपर आप इस तरह से लेट जाएंगे। जो सबसे पहली एक्सरसाइज है आपने इस पोजीशन पे लेट जाना है, एल्बोज इस तरह रख के। अब आपने ये वाली अपनी लेग को ऐसे फोल्ड करना है जिससे मैंने ये फोल्ड किया हुआ है। दूसरी लेग को जिसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं इस टाइम, मैं राइट लेग की एक्सरसाइज कर रहा हूँ। पंजे को आप इस तरह पीछे को खींचेंगे जितना खींच सकते हैं, अपने थाई को टाइट करेंगे मैक्सिमम। ये इस टाइम मेरी थाई मेरी ये थाई टाइट है। अब मैंने क्या करना है, इस पोजिशन में अपनी लेग को ऐसे स्ट्रेट उठाना है ऊपर। 1 2 3 जितना आराम से मैं उठा सकता हूँ। 4 5 इसमें गलती ये नहीं करनी कि आपने वापस आते हुए ज़ोर से पाँव नीचे नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल स्मूथली आपने एक्सरसाइज करनी है और घुटना बेंड ना हो, घुटना स्ट्रेट रहे। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को आपने 10 टाइम्स करने के बाद 30 सेकेंड का रेस्ट लेना है। अगेन आपने दोबारा 10 टाइम्स करना है, फिर 30 सेकंड का रेस्ट लेना है और ये 10-10 रेपिटेशंस के आपने 3 सेट्स परफॉर्म करने हैं। पहले आपने राइट लेग पे किया, अब इसी एक्सरसाइज को हम करेंगे लेफ़्ट लेग पे। लेफ़्ट लेग के लिए भी आपने उसी तरह इसी पोजीशन पे लेटे हैं, लेग को फोल्ड किया अपनी राइट वाली को, पंजे को इस तरह फ्लेक्स किया मैक्सिमम जितना कर सकते हैं, घुटना स्ट्रेट रहेगा और आप ऐसे लेग को उठाएँगे। 1 2 3 4 5 6 10 टाइम मिक्स एक्सरसाइज को करेंगे। बहुत ही ज़रूरी एक्सरसाइज है, आपके जो फ्रंट के मसल हैं थाई के, इसको क्वाड्रिसेप कहते हैं, ये इस एक्सरसाइज से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। जब ये मसल स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपके घुटने को सपोर्ट मिलेगी, जिसकी वजह से जो अक्सर आपके घुटनों में दर्द होती है वो दर्द नहीं होगी। दूसरे नंबर पर जो एक्सरसाइज है उसके लिए आपने इस पोजिशन में बिल्कुल सीधे बैठ जाना। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सपोर्ट के लिए पीछे टेक लगा सकते हैं, अपने हाथ भी मैं इस तरह रख सकता हूँ। अब मैं करूँगा क्या, अपने दोनों पंजों को मैक्सिमम अपनी तरफ ऐसे खींचूंगा, फिर आगे फेंकूंगा, फिर खींचूंगा, फिर आगे लेके जाऊंगा। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। इसको 10 टाइम्स करेंगे। 10 टाइम्स करने के बाद आप 30 सेकंड का रेस्ट करेंगे, फिर दोबारा 10 टाइम्स करेंगे, फिर 30 सेकंड का रेस्ट करेंगे और टोटल इस एक्सरसाइज को 10-10 रेपिटेशंस के आपने 3 सेट्स परफॉर्म करने हैं। सिंपल एक्सरसाइज है, बहुत ज़रूरी है। आपके काफ के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ेगा पीछे वाली साइड पे और काफ के आगे हमारा शिन का जो मसल होता है टीबियालिस एंटीरियर, उस पर ब्लड फ्लो बढ़ेगा। आपकी जो अक्सर नी में पेन होती है लेग में ब्लड फ्लो की कमी की वजह से होती है, तो ये ब्लड फ्लो जब लेग में बढ़ेगा आपकी दर्द ऑटोमेटिकली जाती रहेगी। 1-2 दिन एक्सरसाइज करके छोड़नी नहीं है, इस एक्सरसाइज को आप कंटिन्यूसली जारी रखें। बाय द एंड ऑफ 1 or 2 months यू विल सी के आपकी नी की पेन किस तरह गायब होती है। ये थी हमारी दूसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह साइड पोजिशन पर लेट जाएंगे करवट लेके, लेग्स को मैं ऐसे फोल्ड करूँगा। अब मैंने अपने थाई को अपनी नी को इस तरह ओपन करना है, फिर क्लोज करना है, फिर ओपन करना है, फिर क्लोज करना है। इस मूवमेंट को आपने 10 टाइम्स परफॉर्म करना है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है और बहुत ही आइडियल एक्सरसाइज है आपकी नी पेन के लिए। 10 टाइम्स करने के बाद आप फिर 30 सेकंड रेस्ट करेंगे, फिर दोबारा से आपने 10 टाइम्स परफॉर्म करना है, फिर 30 सेकंड रेस्ट करेंगे और इस 10-10 के आप 3 सेट्स परफॉर्म करेंगे। बहुत इजी एक्सरसाइज है। ये मैंने किया था राइट लेग को, अब मैं करूँगा लेफ्ट वाली साइड पे।
इस तरह आपने करवट लेके लेट जाना है। अब ये लेग को आपने इस तरह ओपन करना है, फिर क्लोज करना है, फिर ओपन करना है, फिर क्लोज करना है, ओपन क्लोज, और इसको 10-10 टाइम्स की आपने 3, और इसको 10-10 रेपिटेशंस की आपने 3 सेट्स करने हैं। सिंपल सी एक्सरसाइज है इस तरह। अच्छा, चौथे नंबर पे जो एक्सरसाइज है वो ये है, हम जब भी नी की बात करते हैं तो हम नी, एंकल और हिप, ये 3 जॉइंट्स आपके अगर प्रॉपरली मूव करेंगे तो आपकी नी में पेन बिल्कुल नहीं आएगी। हमने एंकल के लिए आपके काफ की स्ट्रेचिंग की, हमने नी के लिए ये क्वाड की स्ट्रेचिंग की, हमने नी के लिए क्वाड की स्ट्रेंथनिंग की, अब हम हिप के लिए हिप को स्ट्रेंथन करेंगे ताकि नी आपके प्रॉपर डायरेक्शन में रहे। उसके लिए आपने सीधी इस तरह पोजीशन, उसके लिए आपने इस तरह सीधी पोजीशन में लेट जाना है, लेग्स को फोल्ड करना है, हाथ दोनों सीने पर रखने हैं और अपने हिप को, ट्रंक को मैक्सिमम ऊपर उठाना है इस तरह। 3 से 5 सेकंड तक होल्ड करूंगा, मैं फिर नीचे आ जाऊंगा। दोबारा से 3 से 5 सेकंड तक होल्ड करूंगा, फिर नीचे आ जाऊंगा। इस एक्सरसाइज को आपने 10 टाइम्स परफॉर्म करने के बाद 30 सेकंड्स टू 1 मिनट रेस्ट करना है। उसके बाद दोबारा आपने 10 टाइम्स परफॉर्म करना है और 10-10 की आपने 3 सेट्स को परफॉर्म करना है। बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है ये। लास्ट एक्सरसाइज जो है इसको कहते हैं नी प्रेसेस। इसके लिए आपने, हमारे पास सिस्टम फोम अवेलेबल है तो मैंने इसको मैट को रोल किया। आप अगर चाहें तो टॉवल को भी रोल कर सकते हैं, किसी कपड़े को भी रोल कर सकते हैं। रोल करने के बाद आपने इसको घुटने के नीचे आराम से रखना है। अब आप करेंगे क्या, पीछे अपने हाथों की सपोर्ट ले लेंगे या टेक, जैसे आपको ईजी लगे। अब मैंने अपने ये फ्रंट के मसल्स को, थाई के मसल्स को मैक्सिमम टाइट करना है और लेग को जितना हो सके लिफ्ट करना है और पंजा जो है अपनी तरफ मैंने खींचा होना चाहिए इस पोजीशन में। इस टाइम देखें मेरे थाई के मसल टाइट हैं, फिर मैं नीचे ले आऊँगा, अगेन थाई के मसल को टाइट करूँगा, लेग लिफ्ट होगी, अगेन नीचे ले आऊँगा। बहुत इफ़ेक्टिव मसल, बहुत इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। 10 रेपिटेशंस करने के बाद आप 30 सेकंड रेस्ट करेंगे। आप ये देखेंगे जैसे आप 10 रेपिटेशन इसकी पूरी करेंगे आपके ये क्वाड्स फायर अप हो जाएंगे, यहाँ आपको जलन महसूस होना शुरू हो जाएगी क्योंकि यहाँ आपका फोरन लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। ये बहुत ही ज़बरदस्त एक्सरसाइज है, आपके क्वाड्रिसेप मसल मजबूत होंगे तो आपकी नी की सपोर्ट हो जाएगी। 10 रेपिटेशन करने के बाद आप 30 सेकंड रेस्ट करेंगे, फिर 10 रेपिटेशन करेंगे, फिर 30 सेकंड रेस्ट करेंगे और इसको 3 दफ़ा परफॉर्म करेंगे। ये हमने राइट लेग के लिए किया, अब हम लेफ्ट लेग के लिए करते हैं। वैसे ही करेंगे, पंजे को अपनी तरफ खींचेंगे और थाई मसल को टाइट करेंगे जिससे ऐसे आपकी लेग थोड़ी सी लिफ्ट हो, और इस टाइम मेरे थाई मसल बिल्कुल टाइट है। फिर नीचे, अगेन लिफ्ट, फिर नीचे, अगेन लिफ्ट, फिर नीचे, और 10-10 रेपिटेशंस के 3 सेट ही इसी लेग पे परफॉर्म करेंगे। सिंपल एक्सरसाइजेज हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आप इस एक्सरसाइजेज को परफॉर्म करें और आप देखेंगे कि 2-3 मंथ तक आपके घुटनों में जो पेन अक्सर रहता है वो किस तरह ठीक हो जाता है। अक्सर हमारी घुटनों में डीजनरेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से अगर डीजनरेशन है और मसल वीकनेस है तो आपको पेन लाजमी होगी। तो इसलिए अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करें, ये एक्सरसाइजेज अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। आप देखेंगे कि आपको जो नी की पेन, जो जैसे 30 साल की उम्र से ज़्यादा आपकी एज स्टार्ट होती है, आपको नी पेन स्टार्ट हो जाती है, वो किस तरह गायब होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और लाइक करें और हमें बताएं कि आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी। और अब हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।